Hi, I'm Sanjay THAPA, ex-Subedar in the Army. मैं यहाँ दून डिफेंस एकेडमी में एक फिजिकल ट्रेनर हूँ. बच्चों को हम ये शिक्षा देते हैं यहाँ पर कि आप फिजिकली और मेंटली कैसे परफेक्ट हो सकते हो. हर काम को एक एक तरीके से बताया जाता है कि इस ऑब्स्टिकल को इस प्रकार से करना है, इस ऑब्स्टिकल को इस प्रकार से करना है. हर बच्चा एक गांव से आता है, उसको ये नहीं पता होता कि वो यहाँ पर किस टाइप के ऑब्स्टिकल हैं, जो GTO यहाँ टास्क देंगे वो किस प्रकार का होगा. तो जब वो SSB में आते हैं तो हम उनको ये एक एक चीज़ को मतलब पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज़ बताते हैं ताकि बच्चा आगे के लिए सक्सेस हो. आगे SSB में जब वो जाए डिफेंस अपना ज्वाइन करें तो उसको एक ये फील ना हो कि मैं कुछ नहीं सीख के आया हूँ. वो ऐसी चीज़ हम उसको फील कराते हैं यहाँ पर कि जो कहीं आपको नाम नहीं मिल पाएगी. हम कोशिश करते हैं कि बच्चा फिजिकली फिट रहे. तो उसको सुबह मॉर्निंग में हम 5:30 बजे का टाइमिंग है. अभी ठंड के वजह से हमने थोड़ा टाइम चेंज कर दिया, 6:30 बजे का टाइम कर दिया, बिकॉज सुबह अंधेरा रहता है. तो सुबह जब बच्चे आते हैं तो पहले हम उनको रनिंग करवाते हैं, फिर उसके बाद उनको एक्सरसाइज कराते हैं. वो चीज़ एक्सरसाइज कराते हैं, जैसे किसी का नीज का लॉक होते हैं, किसी का एल्बोज लॉक होते हैं. तो जब एल्बोज लॉक होते हैं तो उनके लिए भी एक्सरसाइज बताई जाती है. अगर किसी के नी लॉक्स होते हैं तो उनको भी उसी प्रकार की एक्सरसाइज बताई जाती है ताकि उनकी जो ये प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए. कई बच्चों को क्या होता है कि फ्लैट फूट्स रहते हैं, तो फ्लैट फूड्स के लिए हम उनको एक ऐसी एक्सरसाइज बताते हैं कि जिससे कि उनके फ्लैट फूड्स जो है वो क्लियर हो गए, वो फ्लैट फूड्स ना रहे. हम कोशिश करते हैं कि मतलब बच्चा फिजिकली बिल्कुल प्रिपेयर्ड हो एकदम, और मतलब ऐसा ना हो कि वो उसको ये ना फील हो कि मैंने कुछ नहीं सीखा. कल एक बच्चा आया मेरे पास, उसने कहा कि सर मेरे को ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, क्या करना है. तो फिर मैंने उसको ये बताया, बेटा आप सुबह मॉर्निंग में आओ, ग्राउंड में आओ, और ग्राउंड में आने के बाद मैं आपको एक एक एक्सरसाइज बताऊंगा, एक एक चीज़ का क्या प्रॉब्लम है आपको क्लियर करके दिखाऊंगा, ठीक है. फिर वो बच्चे का मतलब खुश हो गया कि मतलब मुझे ये चीज़ सर ने बता दी है. तो आप भी जो भी बच्चे यहाँ पर आते हैं हमारे पास SSB में आते हैं, हम एक एक चीज़ को जितने भी ऑब्स्टिकल आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं, जैसे कि ये क्लाइंबिंग रूप है और उसके बाद रिवर्स लैडर है, रॉक क्लाइंबिंग है, उसके बाद ये टाइगर लीप है, तो हर ऑब्स्टिकल को एक बार पहले करके दिखाया जाता है ताकि बच्चा उसको पकड़े, उसको पकड़ मजबूत हो, ठीक से सीख पाए. इससे उसे हमने एक एक चीज़ को क्लियर करके बताना है ताकि बच्चे को मतलब ये फील ना हो कि मैं मेरे से नहीं होगा. जब मैं करके दिखा सकता हूँ तो फिर वो बच्चा ऑटोमेटिकली करेगा, बिकॉज मैं ट्रेनर हूँ. अगर मैं ही अगर उनको नहीं करके दिखाता हूँ तो बच्चा तो फिर सोचेगा यार मैं कैसे चढ़ूँगा, मैं कैसे करूँगा, या मैं कैसे उस चीज़ को पार करूँगा. तो अगर मैं उसको करके नहीं दिखाऊंगा तो वो कभी भी फिर वो फिट नहीं हो सकता. तो मेरी कोशिश यह रहती है कि पहले मैं खुद करूँ, फिर देन मैं बच्चों को कराऊँ. तो बच्चा मतलब गुड फील करता, खुद मतलब अच्छा फील करता है कि हाँ ये ऑब्स्टिकल मैंने सर ने ऐसा किया तो मैं इससे भी बढ़िया करूँगा. अगर मैं गलत करूँगा तो बच्चा भी गलत करेगा. तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम सही करें और सही उनको ट्रेनिंग दें ताकि वो आगे सक्सेस हों. आगे NDA के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे हमारे पास NDA के लिए तैयारी कर रहे हैं, एयरफोर्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, नेवी के लिए तैयारी कर रहे हैं, मर्चेंट नेवी के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको हम फिजिकल ट्रेनिंग में एकदम एक्सपर्ट बना के भेजते हैं यहाँ से ताकि बच्चा आगे सक्सेस मिले. वो मतलब उसको ये ना हो कि मतलब मैं नहीं कर पाऊँगा. वो उसके दिमाग में यही रहना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ. अगर वो ये सोच के चलेगा तो वो पूरे कंप्लीट जितने भी हमारे यहाँ ऑब्स्टिकल हैं सारे कंप्लीट करेगा. रनिंग में मैं उनको 1600 मीटर की रनिंग कराता हूँ और उसको टाइमिंग लेता हूँ. जब वो टाइमिंग में अगर वो आर्मी में जाना जाता है, मैं उसको 5:40 का टाइमिंग देता हूँ. कोशिश करता हूँ कि वो 5 मिनट में कवर करे. और जो ये एयरफोर्स वाले या नेवी वाले बच्चे हैं उनको मैं 6 मिनट का टाइमिंग देता हूँ. तो मैं उनको 6 मिनट का टाइमिंग है तो मैं उनको ये सोचता हूँ कि ये 5:30 मिनट में इसको कवर करें, ताकि अगर वो 5:30 मिनट में कवर करेगा तो वो 6 मिनट में कंप्लीट कर देगा उसको. और अगर वो जो आर्मी में जाना जाता है वो उसको मैं 5:40 का टाइमिंग देता हूँ, तो 5:40 का टाइमिंग है अगर आर्मी का, तो मैं उसको ये कोशिश करता हूँ कि वो 5 मिनट में कवर कर ले पूरा 1600 मीटर. और आगे जैसे जैसे वो बढ़ते जाएगा वैसे वैसे उसकी सक्सेस बढ़ती जाएगी. हर जितने भी 1600 मीटर एक 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 चक्कर जो है 400 मीटर का, अगर 400 मीटर का उसका कितना टाइमिंग है, सेकंड चक्कर उसका कितना टाइमिंग है, थर्ड चक्कर उसका कितना टाइमिंग है, फोर्थ चक्कर कितना उसका टाइमिंग है, जब वो टाइमिंग क्लोज कर लेगा उसके बाद में हर हर चक्कर का एक एक टाइमिंग लेता हूँ.
टाइमिंग लेने के बाद में उसको ये बता दो कि आपकी कमी इस वाले चक्कर में आ रही है, तो उस चक्कर को उसको मैं थोड़ा स्पीड करने के लिए बोलता हूँ ताकि उसको जो है वो कवर कर पाए। अगर वो फोर चक्कर में ज़्यादा दम लगा रहा है तो वो बहुत ही बेटर है, बिकॉज फर्स्ट में हम थोड़ा स्लोली घूमेंगे, स्लोली चलते हैं ताकि आगे का हमारे को स्टैमिना बनता रहे। उसके बाद मैं उनको डाइट के लिए भी बताता हूँ कि भाई अगर आप रनिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो आप रात को चने भिगाइए और मूँगफली भिगाइए, कच्ची मूँगफली। तो फिर उसके बाद जब वो यहाँ ट्रेनिंग करके जाते हैं सुबह मॉर्निंग में, अपना फिजिकल करके जाते हैं, तो वो खाने से क्या था, अब घोड़ा किस लिए चना खाता है, फिर दौड़ने के लिए खाता है, तो जब वो दौड़े, जब चना खाएगा तो वो दौड़ेगा भी उतनी फुर्ती से। तो इसलिए मैं उनको डाइट के लिए भी बताता हूँ कि इस प्रकार की डाइट लेना चाहिए ना, और कोशिश कर अभी बिकॉज ठंड है तो मैं उनको कवर करके आने के लिए बोलता हूँ ताकि वो ठंड से बचे रहे। और जब वो ग्राउंड में आते हैं तो फिर मैं उनको, मैं भी खुद अपने जैकेट्स निकालता हूँ, वो भी अपनी जैकेट्स निकालते हैं, फिर हम फ्रीली एक्सरसाइज करते हैं। जितनी वो चाहते हैं, जितना वो मतलब स्टैमिना बनाना चाहते हैं, मैं उसी के हिसाब से उनको जो है ट्रेन करता हूँ। ये मेरा लक्ष्य है और ये मेरा मुकाम है, ये मेरा एक एम है कि मैं बच्चे को अच्छे से मतलब उसको प्रिपेयर्ड परफेक्ट बना के भेजूँ ताकि आगे बच्चा जो है दून डिफेंस अकेडमी का भी नाम ले और जो ट्रेनर है उनका भी नाम ले और जो उसके टीचर्स हैं उनका भी नाम।